जब आत्मा निराकार अरूप अदृश्य अचिंत्य अलक्षण है तो फिर मैं आत्म ध्यान के झंझट में ही नहीं पड़ता। जनक जी अपने गुरुदेव को कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, जब आप आत्मा के बारे में यह निर्णय करा दिया कि वह अरूपी है, तो फिर जब उसके ये रूप ही नहीं है तो मैं अब उसका ध्यान करने की झंझट ही छोड़ देता हूँ, क्योंकि रूप होगा तब तो मैं देखूंगा, और जिसका रूप है राम का कृष्ण का दुर्गा शंकर का आपने कहा उसकी उपासना मत करना। नेदम यदिदम उपासते, नेदम यदिदम उपासते, जिसको यह करके बताया जाता है वो परमात्मा नहीं। तो परमात्मा फिर कैसा है? रूप रेखना ही शून्य देही निर्गुण निराकार, तो निर्गुण निराकार है तो फिर उसका ध्यान कैसे होगा? बिना देखी वस्तु का तो कभी ध्यान होता ही नहीं, देखी वस्तु का ध्यान होता है और वह वस्तु तो देखी गई परछिन्न और नाशवान होती है। तो मैंने ये ध्यान करने का झंझट बीमारी छोड़ दी है, पर एक निश्चय है कि मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, यह शरीर जनक मैं नहीं। आत्मा तो मन बुद्धि इंद्रियों से परे है, इंद्रियों द्वारा आत्मा अप्रमेय है। आत्मा कैसी है? वह मन इंद्रिय बुद्धि आदि से परे है, यानी मन उसका मनन नहीं कर सकता, बुद्धि उसका निश्चय नहीं कर सकती, चित्त उसका चिंतन नहीं कर सकता, और इंद्रियां उसको अपने विषय बना नहीं सकती, आँख उसे रूप में नहीं जान सकती, कान उसे शब्द में नहीं जान सकता, त्वचा उसको शब्द में नहीं जानती है, नासिका गंध रूप में नहीं जान सकती, क्यों? कि परमात्मा ना शब्द है, ना स्पर्श है, ना रूप है, ना रस है, ना गंध है। तो परमात्मा मन इंद्रियों का विषय नहीं, बल्कि मन इंद्रियों को जानने वाला, मन इंद्रियों से वह परमात्मा जाना नहीं जाता है, बल्कि वह स्वयं मन इंद्रियों को प्राणों को देह को जानने वाला है। इंद्रिया जड़ है, आत्मा चेतन है। तो जड़ वस्तु कौन? आंख भी जड़ है, कान भी जड़ है, त्वचा भी जड़ है, नासिका भी जड़ है, तो फिर ये जड़ और आत्मा है चेतन, तो फिर जड़ वस्तु चेतन आत्मा को कैसे जान सकती है? चेतन ही के द्वारा जड़ वस्तु जानी जाती है। अभी आप नीचे से जल्दी जल्दी में बिना जूता पहने चले जाए समझ लो, और रास्ते में आपको याद आए तो वो चप्पल जूता तुम्हारे पीछे पीछे चला आएगा? अरे तुम्हारे पैरों में 6 महीने से 1 साल से है तो वो तुम यहाँ भूल गए तो वो तुम्हें खोजता खोजता आ जाएगा कि मेरा मालिक कहाँ गया जिसके पैरों का मैं जूता हूँ? तुम्हें ढूंढते ढूंढते आओगे, अरे ये मेरा जूता यहाँ पड़ा है, तो जो जूता ने तुमको नहीं देखा, तुमने जूते को देखा, जूते ने तुमको क्यों नहीं देखा? वो जड़ है। क्यों नहीं पहचाना? जड़ है। वो जड़ है, तुमने क्यों पहचान लिया? तुम चेतन हो। तो अगर तुम भगवान को पहचान लेते हो तो चप्पल जूता से ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो तो जड़ की श्रेणी में आ जाएगा, जो जान लिया जाएगा वो तो जड़ होगा, जो जानने वाला है वह चेतन। तो तुम जानने वाले हो कि जानने में आने वाले हो? जानने वाले, तुम तो जानने वाले हो, जानने में आने वाले नहीं। तो ये इंद्रियां सब क्या है? जड़ है, आँख कान नाक मुख त्वचा हाथ पैर शरीर सब क्या है? तो ये जड़। चेतन आत्मा को कैसे जानेगा? चेतन आत्मा से ही सब जाना जाता है। तो तुम आत्मा होकर ही रहो बाबू, ये वो मत बनो। तुम आत्मा होकर ही क्यों नहीं रहते हो?
अरे तुम्हारे बिना तो कोई क्रिया सिद्ध नहीं होती, चाहे तुमको 5 रुपए का नोट गिनना हो कि 500 का नोट गिनना हो कि आपको कुछ और, तुम्हारे बिना तो 2-5 का अंतर भी नहीं मालूम पड़ेगा। 2 और 5 का अंतर भी तुम्हारे चेतन के द्वारा होता है, कोई क्रिया तुम्हारे बिना चेतन के सिद्ध नहीं होती है। इसलिए जड़ अनित्य इंद्रिया मन बुद्धि साधन से अतीन्द्रिय अगोचर स्वयं प्रकाश अदृश्य आत्मा का साक्षात्कार कैसे कर सकेंगे? क्या कहा कि ये जड़ इंद्रियों के माध्यम से तुम उस अतीन्द्रिय तत्व, आत्मा कैसा है, अतीन्द्रिय, इंद्रियों से परे, इंद्रियों के पहुंच के भी परे, कितना परे कि जहाँ सूर्य नहीं पहुंच पाता, चंद्रमा नहीं पहुंच पाता, ये तारे, ये बिजलियाँ नहीं पहुंच पाती, तो ये तुम्हारे साधारण टॉर्च लाइट दीपक वहाँ कौन कैसे पहुँचेंगे? ये तुम्हारी इंद्रियाँ तो छोटे छोटे दीपक की तरह है, वहाँ उनकी गति नहीं है। आत्मा अतीन्द्रिय विषय है और ये तुम्हारी इंद्रियाँ सब सीमित परछिन्न है। जैसे प्रकाश द्वारा संसार के पदार्थ दृष्टिगोचर होते हैं अथवा बिजली प्रकाश द्वारा अंधकार में चलचित्र देखे जाते हैं किंतु शुद्ध प्रकाश दिखाई नहीं देता, इसी प्रकार आत्मा के प्रकाश में जगत व्यवहार होता है किंतु आत्मा किसी को दिखाई नहीं पड़ती। बहुत अच्छा, बहुत सरल दृष्टांत देकर बताया जा रहा है कि तुम कभी सिनेमा गृह में गए हो तो वहां पर 1.5 घंटा की 2 घंटा तुमने जो महाभारत देखा कि रामायण सीरियल देखा, लेकिन अगर मुझसे पूछोगे तो तुमने केवल प्रकाश देखा, केवल प्रकाश, किंचित भी वहाँ अन्य नहीं था, चाहे वहाँ हाथी घोड़े हो कि हवाई जहाज उड़ा हो कि समुद्र में तूफान आया हो कि अंधकार, और अंधकार में फिर चोर घुस रहा है किसी के घर में, घोर अंधकार काली रात्रि और चोर और वो जो चुरा रहा है, ये सब प्रकाश ही है। प्रकाश के अलावा वहाँ अंधकार भी नहीं है, अंधकार दिख रहा है तो उस अंधकार ने प्रकाश को अपने पेट में छुपा के रखा है, जिसे गर्भवती नारी अपने पेट में बच्चे को छुपा कर रखती है, बाहर पता नहीं लगता है, तो ऐसे ही उस प्रकाश ने क्या किया, सारे सिनेमा हॉल में वो अंधकार रूप में आ गए। फिर से पढ़ो। जैसे प्रकाश द्वारा संसार के पदार्थ दृष्टिगोचर होते हैं, संसार के पदार्थ कैसे मालूम पड़ते हैं, प्रकाश के माध्यम से दिखाई पड़ते हैं, पर वस्तुएं दिखाई पड़ती है पर प्रकाश दिखाई नहीं पड़ता है। वस्तुएं कि यह गाय है, ये कुत्ता है, ये घर है, ये वस्तु है, प्रकाश के माध्यम से वो वस्तुएं दिखती है। अथवा बिजली प्रकाश के द्वारा अंधकार में चलचित्र देखे जाते हैं किंतु शुद्ध प्रकाश दिखाई नहीं देता, तो वहाँ पर आपको शुद्ध प्रकाश सिनेमा में दिखाई पड़ता है ना? अब प्रकाश अगर कर दिया जाएगा तो लोग सीटियां बजाने लग जाएंगे, कभी कभी फिल्म टूट जाती है तो देखो कैसा, मैंने वो कितने अंधकार करो ताकि हमको सारी चीजें दिखे, तो इस प्रकाश में सर्प संसार दिखता है पर प्रकाश नहीं दिखता। ऐसे ही ये माया संसार दिख रहा है उसी परमात्मा के लाइट में, प्रकाश में, पर परमात्मा दिखाई, पर देख रहे हैं सब प्रकाश को ही, सिनेमा में देख रहे हैं सब लोग
जो भी देख रहे हैं सब किसको देख रहे हैं? प्रकाश को। पर वहाँ प्रकाश दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे यहाँ पर भी देख रहे हो सब एक ब्रह्म को, एक परमात्मा को, सिया राम मैं सब जग है, जड़ चेतन जग जीव है तो सकल राम मैं जान। लेकिन आपको वो राम, वो परमात्मा दिखाई, देख रहे हो उसी राम को, देख रहे हो उसी परमात्मा को, देख रहे हो उसी को। लोग कहते हैं सोना कहाँ है, हमने तो देखा नहीं, चूड़ी को देख रहे हैं, चैन को देख रहे हैं। अरे पर चूड़ी चैन को देख नहीं रहे हो, तुम सोने को ही देख रहे हो। लेकिन अज्ञानी कहता मैं सोने को नहीं जानता, मैं तो चूड़ी चैन को जानता हूँ, सोना कहाँ है मुझे पता नहीं। तो ऐसे ही तुम्हारी स्थिति जल बीच मीन प्यासी और मोहि सुनी सुनी आवत हाँसी। जरा इस भजन को दोहरा दो तो। पानी में मीन है प्यासी, 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 मुहे सुन सुनावे हासी, सुन सुनावे हासी, सुन सुनावे हासी, आनंद सिंधु मध्य तब वासा, आनंद सिंधु मध्य तब वासा, आनंद सिंधु मध्य ये जीव कहाँ रह रहा है? उस आनंद सिंधु के अंदर, आनंद के सागर में ही रह रहा है और फिर भी प्यासा मर रहा है। आहा कैसा आश्चर्य, जैसे जल में मछली रहकर और जल के लिए तड़पती है कि जल कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, कब मैं पहुंचू। आनंद सिंधु मध्य तब वासा, आनंद सिंधु मध्य तब वासा, बिनु जाने नर मरत प्यासा, बिनु जाने नर मरत प्यासा, बिनु जाने मरत प्यासा, बिनु जाने नर मरत प्यासा, मुहे सुन सुनावे हासी, सुन सुनावे हासी, जो 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 मृगना भी रहे मृग की नाभि में कस्तूरी है, उस कस्तूरी के साथ साथ ही जा रहा है, कस्तूरी उसके साथ जा रही है, सुगंध भी जा रही है, फिर भी सोचता है कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी ये कस्तूरी। खुद उसी ये जीव भी परमात्मा के साथ जा रहा है, परमात्मा इसके साथ है। मृग के साथ जैसे नाभि है, ऐसे ही जीव के साथ परमात्मा है। लेकिन
जानता नहीं, इसलिए खोज खोज कर मर रहा है। तभी तो कबीर दास जी ने कहा कि जैसे कस्तूरी के लिए मृग ढूंढ ढूंढ कर मरता है, ऐसे प्रभु घट घट में है और ये बाहर उसे खोज खोज कर मरता है। मुक्ति खोजन काशी जावत, मुक्ति खोजन काशी जावत, मुक्ति खोजन काशी जावत, मुक्ति खोजन काशी जावत, मुक्ति निज सहज स्वरूप, मुक्ति निज सहज स्वरूप, मुक्ति निज सहज स्वरूप, मोहे सुन सुनावे हासी, मोहे सुन सुनावे हासी, घर की वस्तु नजर नहीं आवे, 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 बाहर खोजन जासी, बाहर खोजन जासी, बाहर खोजन जासी, बाहर खोजन जासी, मोहे सुन सुनावे हासी, मोहे सुन सुनावे हासी, आत्म ज्ञान बिना आत्म ज्ञान बिना नर भटके, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, नरक गर्भ की फांसी, नरक गर्भ की फांसी, कोई मथुरा कोई काशी, आत्म ज्ञान बिना नर भटकत, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, कोई मथुरा कोई मथुरा कोई काशी, मोहे सुन सुनावे हासी, मोहे सुन सुनावे हासी। तो अष्टावक्र जी जनक जी को यही उपदेश दे रहे हैं कि वो परमात्मा आत्मा इंद्रियों का विषय नहीं, इंद्रियां जड़ हैं परछिन्न हैं, परमात्मा तो इंद्रियातीत विषय है, परमात्मा चेतन है, तो चेतन तत्व को ये जड़ मन या बुद्धि ये नहीं जान सकते। रामायण में भी कहा है, गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया, ये सब नाशवान माया है, ये परमात्मा को नहीं जान सकते हैं। वो परमात्मा कैसा है, सब इंद्रियों का प्रकाशक है, स्वयं प्रकाश है। तो ये जड़ इंद्रियां, जड़ अंतःकरण,
जड़ शरीर उस चेतन आत्मा को नहीं जान सकते हैं। इसी प्रकार आत्मा के प्रकाश में जगत व्यवहार होता रहता है, किंतु आत्मा किसी को दिखाई नहीं पड़ती। तो आत्मा के प्रकाश में ये सारा जगत दृष्टिगोचर हो रहा है, जैसे सिनेमा हॉल में प्रकाश के द्वारा ही वो सारा 2 घंटा का खेल प्रकाश ही है, लेकिन कुछ भी लोगों को समझ में नहीं आता कि ये प्रकाश है, बल्कि वो स्त्री पुरुष और सब क्रियाएं सत्य सी मालूम पड़ती है। ऐसे ही यहाँ भी परमात्मा के प्रकाश में यह जगत दिखाई पड़ता है, पर यह प्रकाश ही परमात्मा ही यह जगत रूप में है, पर यह समझ में किसी को नहीं आता कि यह सब परमात्मा है, बल्कि सोचते हैं परमात्मा तो कुछ अलग है, कहीं दूर है, कहीं कोई अन्य लोक में होगा, लेकिन परमात्मा तो सर्वम कल्विदम ब्रह्म, यहाँ अणु अणु ब्रह्म है, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी अन्य नहीं है। जैसे जिस हाथ द्वारा अन्य वस्तु का ग्रहण होता है, उसी हाथ से उसे पकड़ा रगड़ा मसला नहीं जा सकता। जैसे इस हाथ से मैं ये रगड़ रहा हूँ, इस हाथ से सर से पैर तक कर रहा हूँ, लेकिन इसी हाथ को और मैं रगड़ पकड़ नहीं सकता। इस हाथ से जिस चिमटे से सबको पकड़ा जाता है, उसी चिमटे से उसको खुद को पकड़ा नहीं जा सकता है। इसी तरह आत्मा अदृश्य प्रकाश से सब लोग आलोकित होते हैं, किंतु आत्मा तक सूर्य चंद्र विद्युत मन वाणी आदि की गति नहीं है। उस एक आत्मा द्वारा अखिल ब्रह्मांड प्रकाशित होता है, किंतु आत्मा स्वयं प्रकाश है। आत्मा अखंड और स्वयं प्रकाश, उसके द्वारा सब कुछ प्रकाशित होता है, पर वो किसी से प्रकाशित, क्योंकि आत्मा स्वयं प्रकाश है। कैसे है, ऐसे समझो ये जैसे रुमाल, ये दृश्य की श्रेणी में है और आपकी आंखें इसे देख रही है, तो आंखों को ये गर्व है कि मैं देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ। लेकिन याद रखें, दृष्टा की परिभाषा क्या है, जो सबको देखे पर किसी को दिखाए, बहुत ध्यान से सुनना। तो अभी आँख में दृष्टा होने का अहंकार है, क्यों कि वो कहती है कि मैं इस दृश्य रुमाल को देख रही हूँ और मैं दृष्टा हूँ। पर दृष्टा हम किसे कह सकेंगे, जो सबको देखे पर स्वयं किसी को दिखाई न पड़े। पर आँख के पीछे जो खड़ा है मन, वो कहता है कि ये आँख से कम दिख रहा है, मैं आँख को देख रहा हूँ और आँख से कम दिख रहा है। तो अब वहाँ आँख भी दृश्य बन गई और मन दृष्टा बन गया। पर दृष्टा उसे को कहेंगे जो किसी का दृश्य न बने। पहले तो आँख ने अपने को दृष्टा माना, पर वो मन के आगे दृश्य बन गई। फिर अब मन अपने को दृष्टा होने का गर्व करता है, पर मन को दृष्टा तो हम तभी कहेंगे जब मन किसी का दृश्य न बने। लेकिन इस मन को बुद्धि देख रही है कि मन चंचल है, मन विकारी है, मन नाश यह दुराचारी है, तो ये मन भी दृश्य बन गया और बुद्धि दृष्टा बन गई। पर दृष्टा की तो एक ही परिभाषा है कि जो दिखाई पड़े वह दृश्य है, जो दिखाई पड़े वह दृश्य है। तो रुमाल दिखाई पड़ा तो ये दृश्य है, पर किसने देखा, आँख ने,
तो वो दृष्टा, लेकिन आंख भी दिखाई पड़ गई किसको, मन को, तो वो आंख भी दृश्य बन गई, मन दृष्टा बन गया, फिर मन भी दिखाई पड़ गया किसको, बुद्धि को, तो वो भी दृश्य बन गया और बुद्धि दृष्टा बन गई, फिर बुद्धि भी दृश्य बन गई किसको, जीव के आगे, जीव दृष्टा हो गया और यह बुद्धि दृश्य बन गई, फिर बुद्धि भी और ये जीव भी दृश्य बन जाता है किसका, आत्मा का, तो ये जीव भी दृश्य बन गई और आत्मा दृष्टा। अब आत्मा किसी का दृश्य नहीं बनता, अंतिम दृष्टा वो है, दृष्टा का अहंकार रुमाल ने किया दृश्य से नेत्र में, नेत्र से मन में, मन से बुद्धि में, बुद्धि से जीव में और जीव से आए परमात्मा में। तो परमात्मा क्या है, स्वयं प्रकाश है, वो किसी का दृश्य होता नहीं। इस नियम से समझ आएगा कि आत्मा को पाने के लिए किसी प्रकार के साधन करने की जरूरत नहीं है। तो इस दृष्टांत से, ये रुमाल के दृष्टांत से समझ में आ गया कि यहाँ से वहाँ तक आत्मा तक जो है ये क्रम देखा, पर आत्मा के पीछे और कोई देखने वाला नहीं है, तो इससे पता लग गया कि सचमुच में अगर दृष्टा है तो केवल आत्मा है, क्योंकि आत्मा के पीछे और कोई देखने वाला नहीं है। आत्मा साधन साध्य अनित्य पदार्थ की तरह नहीं है, संसारिक पदार्थ साधन साध्य हैं, साधन करो वो मिलेगा, संतान के लिए साधन करो, धन के लिए साधन करो, वस्तु के लिए साधन करो मिलेगा, पर परमात्मा के लिए ये जप करो, ये माला करो, ये तप करो, ये साधन साध्य वस्तु, क्योंकि साधन साध्य वस्तु परिच्छिन्न होगी, नाशवान होगी, जो अलग भी होगी तुमसे साधन करके प्राप्त करोगे, और एक दिन वो नष्ट भी हो जाएगी, जो पहले नहीं थी फिर में नष्ट हो जाएगी, पर परमात्मा तो नित्य है, सर्वव्यापी है, सबका स्वरूप है, इसलिए वो साधन साध्य नहीं है। अतः मैं अपने स्वरूप में ज्यों का त्यों स्थित हूँ। तो आत्मा अपने आप में ज्यों की त्यों स्थित है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन विकार नहीं है। जैसे प्रकाश न होने पर भी अंधेरे में बैठा व्यक्ति दूसरे को नहीं देख पाता, परंतु अपने को न देख पाने पर भी अपने होने का ज्ञान बना ही रहता है। आप लोग आंखों से देख रहे हैं, दिन में अभी बिजली के प्रकाश में देख रहे हैं, ये बिजली भी न हो, जंगल में यात्रा करने वाले चंद्रमा के प्रकाश में देख लेते हैं, चंद्रमा के प्रकाश में, गांव में दीपक के प्रकाश में, पर ये सूरदास किसके प्रकाश में काम करता है, आप दिन में सूरज, रात्रि को चंद्रमा, घर में दीपक बिजली, पर सूरदास किसके प्रकाश में काम करता है, उसको तो ये सूरज, ये चंद्रमा, ये बिजली दीपक नहीं, फिर वो भी तो गर्म ठंडा पहचान लेता है, पर वो भी तो खट्टा मीठा जान लेता है, वह भी तो सख्त सूखा गीला जान लेता है, वो खड़ा है कि बैठा है ये तो पता लग जाता है उसको भी, सामने कौन खड़ा है पता नहीं लगेगा क्योंकि अंधकार है, सूरदास को भी और तुमको भी, लेकिन तुम अंधकार में खड़े हो कि बैठे हो ये पता कौन बताएगा, खुद स्वयं, भूख और प्यास तुम्हारे पेट में, ये कौन बताएगा, तो यह तुम्हारा स्वरूप स्वयं प्रकाश है, तुम्हारे को कोई प्रकाश करने वाला नहीं है, जैसे अंधकार सूरदास को प्रकाश करने वाला स्वयं प्रकाश परमात्मा, वह उसी में विद्यमान है। जनक जी कहते हैं कि
कि आत्मा के अप्रमेय अचिंत्य अदृश्य स्वभाव के कारण मन में भी बहुत विक्षेप होते रहते हैं कि उस आत्मा का किस प्रकार ध्यान करूं, उस आत्मा को किस प्रकार प्राप्त करूं। नाना प्रकार के उसके लिए ध्यान समाधि की चेष्टा करता था, उससे भी बहुत विक्षेप होता था। अब उन साधनों से आत्मा को पाने की इच्छा, मेरा मन मुक्त हो गया है और अब मैं केवल अपने आप में अर्थात साक्षी भाव में स्थित हो गया हूँ। कितनी सुंदर शिक्षा प्रद बात यह जनक जी हम सभी श्रोताओं को इशारे में समझा रहे हैं। क्या इशारा दे रहे हैं कि ये जितने भी साधन आज तक मैं कर रहा था, इनकी किसी साधन से मुझे आत्मा की अनुभूति, शांति की प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए मैंने इन सब साधनों को अब छोड़ दिया, इनके से मैं अलग हो गया। फिर से सुनाए। जनक जी कहते हैं कि आत्मा के अप्रमेय अचिंत्य अदृश्य। आत्मा कैसी है ये बता रहे, अप्रमेय अचिंत्य, उसका चिंतन भी नहीं हो सकता, और अदृश्य स्वभाव के कारण मन, उसका स्वभाव कैसा है, अदृश्य अचिंत्य भी है, अप्रमेय भी है और अदृश्य भी है। तो आगे, अदृश्य स्वभाव के कारण मन में बहुत विक्षेप होते रहते थे कि उस आत्मा का किस प्रकार ध्यान करूं, कैसे करूं, जब अचिंत्य है, अदृश्य है, अप्रमेय है, तो उसको कैसे, उसका तो हाथ पैर सर नाक मुख कुछ भी तो नहीं है, अब बंध्या के पुत्र का मैं कैसे ध्यान करूं। देखा है तो फिर ऐसा मुझे परेशानी उलझन सी लगती थी। उस आत्मा को किस प्रकार प्राप्त करूं, नाना प्रकार से उसके लिए ध्यान समाधि की। अब उसके साधनों के बारे में इशारा कर रहे हैं कि उसके लिए मैं कितने यज्ञ किए, योग किए, कुंडलिनी जागृति की, षट चक्रों का भेदन किया, प्राणायाम किया, व्रत उपवास किए, तीर्थ मंदिर सब किए, नाना प्रकार के उसके लिए ध्यान समाधि की चेष्टा करता था, उससे भी बहुत विक्षेप होता था। अब उन साधनों से आत्मा को पाने की इच्छा से मेरा मन मुक्त हो गया है। अब उन साधनों से आत्मा को पाने के लिए जो था वो तो मेरा मन अब उपराम हो गया, अब मुझे उन साधनों की करने की इच्छा, मैंने सब उन साधनों को छोड़ दिया। समझो यहाँ इशारा क्या है कि साधन से नहीं सिद्ध आत्मा, साधन के द्वारा आत्मा सिद्ध होने वाली, क्योंकि ये मैंने बहुत करके देख लिया, उससे विक्षेप ही हुआ। अब उन साधनों से आत्मा को पाने की इच्छा से मेरा मन मुक्त हो गया है, अब मैं केवल अपने आप में अर्थात साक्षी भाव में स्थित हो गया हूँ। बस अब मेरे को और कुछ नहीं साधन करने की जरूरत है, अब तो मैं साक्षी भाव में अपने आप में स्थित हो गया हूँ और मुझे अब कुछ करने की जरूरत नहीं, परम शांति का मैं अनुभव करता हूँ। तो आज के प्रवचन में अष्टावक्र जी जनक के माध्यम से हमको यही सिखा रहे हैं कि आत्मा को पाने के लिए कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं है, साधन में मत उलझो, साधन से और मन चंचल ही होता है और अधिक विक्षेप होता है, यह आप अष्टावक्र जी के माध्यम से ही सुन रहे हो। केवल मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, इस भाव में मैं स्थित हो गया हूँ, आज बस इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।
सब सुखी रहें, सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सब निरोग रहें, सभी रूपों में, सभी रूपों में हम अपने को पहचाने, हम अपने को पहचाने, इसलिए मन वचन कर्म से, इसलिए मन वचन कर्म से हम अपने ही अन्य रूप को, हम अपने ही अन्य रूप को किसी प्रकार कष्ट न पहुँचाएं, किसी प्रकार कष्ट न पहुँचाएं, दुखी न करें, दुखी न करें, यदि हमारी वाणी से, यदि हमारी वाणी से, हमारे व्यवहार से, हमारे व्यवहार से किसी को कष्ट मिला है, किसी को कष्ट मिला है, किसी को कष्ट हुआ है, किसी को कष्ट हुआ है, हम उसके चरणों में क्षमा मांगे, हम उसके चरणों में क्षमा मांगे, आगे उस अपराध को ना करें, आगे उस अपराध को ना करें, वो हमें क्षमा कर दे, वो हमें क्षमा कर दे, हम सबको क्षमा करते हैं, हम सबको क्षमा करते हैं, कोई हमारा शत्रु नहीं है, कोई हमारा शत्रु नहीं, सभी हमारे मित्र हैं, सभी हमारे मित्र, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः, ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आप सभी श्रोताओं ने आज का विषय ध्यान से सुना, जरूर उससे कुछ लाभ अपने मन में सोचेंगे कि मेरे को भी अब आत्मा में ही स्थित हो जाना है। सब साधन के द्वारा जनक जी ने अपने को देखा करके कहीं शांति नहीं मिली, मेरे द्वारा कुछ भूल हो गई हो, समझाने में गलती हो गई हो तो क्षमा करें।